मॉरिशस के दक्षिणी तट पर सावाना शुगर स्टेट से कुछ ही दूरी पर स्थित लेसुफ्लेया एगो खास जगह है जहाँ प्रकृति के सुंदर एवं मनोरम नजारा देखे के मिलेला। लेकिन इस जगह तक पहुँचे के रास्ता आसान नहीं बाते। सुफ्लेया जाए खातिर लेस्कालिये गांव जाए के चाहिए, सावाना शुगर स्टेट से होके साविनिया इलाके में जाए के चाहिए। रास्ता पर सावाना शक्कर कोठी के कई गो अवशेष गिन दिखाई देवेला। रास्ता के दोनों तरफ पाम ट्रीज दिखाई देवेला। शुरू में रास्ता चक्रावाती जो धीरे धीरे जाके पतरा हो जाला। रास्ता के दोनों तरफ पत्थर के दीवार बनावल गेल बा जहाँ बहुत से पेड़ पौधा दिखाई देवेला। प्रकृति के गोद में आप सब दर्शक लोग के स्वागत बाते। अभी हमने शहर के शोर शराबा से दूर एकदम शांत माहौल में है जा जिसका लिए गांव में हमारे एक तरफ आप सब बजा देखे जंगल बाते है जा पर ये बहुत सी चिड़िया भी बातें जिकर चे चाह आप सुने सक बजा। आज के प्रोग्राम में हमें के जो पहला गंतव्य है वह लेसुफ्लेया। अभी हमने लेसुफ्लेया के ही रास्ता पर खड़ा है जा उम्मीकेन रिफाइनरी बातें हो जा से करीब 10 मिनट के रास्ता करला के बाद हजा पर पहुँचल है जा पर अभी हमें के और थोड़ा आगे जाए के बातें हमें के संगे चला। रास्ता से कुछ ही दूरी पर पाचो खास बातें जहाँ मवेशी लोग के पालन करल जला। स्वस्थ तंदरुस्त मवेशी जिनकी हरा हरा घास के आनंद लेवत हवन जा। चारा के छोड़ के आगे जेबत दूर से ही लहर के आवाज सुनाई देवेला। गाड़ी के जरिए क्लिफ भीरी जाए सब। पार्किंग खातिर जगह बाती दूर से ही लहर के चट्टान से टकराई हुआ सुंदर नजारा दिखाई देवेला।
से कब्जा मिले अभी हमने प्रकृति के गोद में है जा हमने के जो मॉरिशस देश बातें उकरा गो टापू बोल जला गो टापू यानी कि आइलैंड जिनकी समंदर से घिरल बातें और ये करचारों तरफ हिंद महासागर बातें मॉरिशस के एगो आकर्षण ही हमने के समंदर है जिनकी दूर दूर से पर्यटक लोग के हैजा परी आकर्षित करेला पर हमने के टापू के चारों तरफ जो समंदर बाते उकर अलग अलग रूप दिखाई देवेला कहूँ पर समंदर शांत बाते तो कहीं पर उकर विकराल रूप दिखाई देवेला जैसे के हैजा परी सुप्लेयर में देखे सक बजा हैजा परी समंदर बहुत ही चंचल बाते हैजा परी बहुत तेज समंदर के लहरें उठत बातें जो आके हजा परी इस चट्टान से टकरात बातें सुप्लेयर के समंदर हमेशा से ही विकराल रूप में नजर आवेला जब तेज और ऊंचा लहर चट्टान से टकराला ते एगो मुग्ध करे हुला नजारा दिखाई देवेला बोलल जला कि जब समंदर खराब रहेला तो लहर के ऊंचाई 15 से 20 मीटर ऊंचा ले रह सके सुफले की नजारा बहुत ही मनमोहक बाते हजा परी जब देख है ओसियां जुन बाते महासागर बाते थोड़ा सुन भयभीत भी हो सकबा कहे कि हजा परी जुन समंदर बाते बहुत ही गहरा है और हजा परी समंदर खाली निहारे के अच्छा बात है पर तैरे के नहीं चाहे नाजे करे के नहीं चाहे कहे कि ये बहुत खतरनाक है हजा परी समंदर के जुन वाक बाते लहर बाते वो एगो बहुत जोश के साथ आके हजा परी चट्टान बाते उस चट्टान से टकराला मानो कि अपन भरास अपन क्रोध ये चट्टान पर निकालत बाते और ये जब ये वाक जब खाजे हुए लाता ऊपर में जो छींटा ऊपर उठेला तैसन बुझाता कि वो पानी के फूकता यही वजह से इस जगह के सुफ्लेयर नाम भी देवल गलवाते पानी के तेज धारा चट्टान के चीर के ओकर अंदर अपन रास्ता बने ले बाते चट्टान के भीतर एगो गुफा नियर बन गलबा ई गुफा के गो पंछी लोग के घर भी है जैसे कि पायों के जिनकी स्थल पर आसमान में उड़ते हुए दिखाई देवल परंतु आजकल सुफ्लेयर के फूक कम ही दिखाई के मिलेला बोलल जला कि अक्ते जो पानी के धारा चट्टान के भीतर जाके ऊपर में फूक मारत रहल ओकर सुंदर नजारा दिखे के मिलत रहल पर आजकल चट्टान में गढ़ा इतना बढ़ गल बा कि ओकर फूक दिखाई नहीं देवेला
और ई भी बात बाते अभी ना तूफान बाते ना ही कोनो एंटी साइक्लोन बाते, फिर भी हजा पर हमेशा साल भर ऊंची लहरें उठते रहेला। पर यदि मौसम तूफानी रही तो हजा पर जोन वाग रही जोन लहरें रही वो और भी भयानक हो सकी। सुफले की बात करब जाता है बिल्कुल हमारे बायां की ओर यदि आप देखवा जा हो जा पर ये कुछ चट्टान बातें और उस चट्टान में नीचे गुफा नियर बातें पानी के जन तेज प्रवाह ये गुफा में घुसेला तो वो गुफा से निकले खातिर वो आगे ये बतावल जाता कि हो जा पर ये गुफा के फार के ये चट्टान के चीर के ऊपर में पानी उठत रहल ऊपर की तरफ और जब ऐसा करत रहल तो गो सिफलिमा सुनाई देवत रहल जैसे कि वो फूकता गो फूक मारता तो यही वजह से एकर नाम सुफलिया पड़ल रहल। बातें कि देश के दक्षिण में और दो तीन को जगह बातें जहाँ पर इस तरह से समंदर के विकराल रूप दिखाई देवेला। तट पर बैठ के चट्टान से टकराए होला समंदर के सुंदर नज़ारा देखते रहा जीने भरे। पानी के झोंका हवा में भाप नियर उड़ते हुए दिखाई देवेला। अपन मोबाइल कैमरा अथवा दूसर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खारा पानी के छीटे से बचाए के चाही नेते नुकसान हो सके। रह रह के पानी के धारा विकराल तांडव भी करेला जिके देख के आनंद के साथ साथ थोड़ा घबराहट भी हो सके। हैजा के समंदर बहुत गहरा बाती जिकरा दीप सी बुलल जाला। हैजा के सागर महासागर से मिलेला यही खातिर ओकर रंग बहुत ही गहरा बाते इस जगह पर तैरे के सख्त मना है नहीं तो जान गवाए के भी खतरा बाते। पानी की धारा जब चट्टान से टकराला तो एकदम सफेद झाग पैदा होवेला बिल्कुल दूध नियर। एकरा देख के एगो शायर रही ते सके वो शायर भी करे कविता पाठ भी करे। हैजा के नज़ारा एकदम ही मनमोहक बाते एकदम ही अलग बाते। हैजा पर आके एगो विशेष सुकून महसूस होवेला शांति मिलेला और एकदम से एकांत सकबा हैजा ध्यान भी करे।
प्रकृति के अनोखा अद्भुत नजारा। ये भी बात बाते हजा परी जुन चट्टान बाते उ धीरे धीरे पानी के प्रवाह संगे दिखबता एकदम से चिक्कन हो ले जाता। थोड़ा सा नीचे दिखबता जुन बड़ा बड़ा चट्टान रहल ओकर जुन आकार बाते उ घट ले जाता, छोटा हो ले जाता, एकदम से चिक्कन हो जाता। और अभी ऊपर में जुन एकाध चट्टान बाते पता नहीं कितना समय ले रही, पर ई निश्चित बात है सकी दो तीन शताब्दी बाद ई चट्टान भी नहीं दिखाई दे। भूला है जब परी आप घूमे आल हवा ये जगह सुफले हा तेरा पता बाते कहे को नाम सुफले पड़ल बाते। हाँ ये जगह वा के हम नीले सुफले बोली ला जा कहे कि जब इलामे वा के बागवा रोजवा से तापे होला तब ये टेम्पो लेखन बजे ला सुफले होला। और तेरा ये जगह कैसे बुझा था? ये जगह वा बहुत जोली बात है, यहाँ पर शांति बा, यहाँ पर हमनी पायों के भी देखनी सर बहुत जोली बा। आप लोग अक्सर है जब परी आवेला जा? नहीं कभी कभी। धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे पानी के प्रवाह तेज होइला पर इस चट्टान के भीतर जंतु बने ले रहल गोहोलो कर ले रहल ओकर पर पानी के प्रवाह मिलना पर ओ जन होलो बाते और बहुत चकरा हो गल। और इस वजह से हो जा परी आजकल जन सिफलेमा होवेला ओ जोर से नहीं सुनाई देवेला कहे कि वो बहुत बड़ा हो गल बा ओ गुफा और वो पानी जन ऊपर उठत रहल ओकर छीता भी नहीं दिखाई देवेला। ऊंची ऊंची लहरें ही हजा के आकर्षण है, आकर्षों है, जिकर वजह से बहुत सारे लोग हजा के जन रास्ता आए के पहुँचे के इतना आसान नहीं बातें एक बावजूद हजा परी पर्यटक लोग टूरिस्ट लोग आवेलन जा, बहुत से सैलानी लोग आवेलन जा हजा के जन इनिक नज़ारा बातें एक देखे खातिर। तरह आज प्रकृति के गोद में हमने आप लोग के लिए सुफले के सैर करनी जा, चाहे ये जगह गो रिमोट एरिया में बातें, दूर दराज इलाका में बातें,
फिर भी हैजा ऐला पर हम आप लोग के आश्वस्त कर सकब जा कि हैजा परी आप लोग के मन बहुत प्रसन्न होए, आप गदगद हो जाए बजा कहे कि हैजा परी बहुत ही सुंदर दृश्य, प्रकृति के मनोरम दृश्य देख सकब जा। तो प्रकृति के गोद में आज खातिर इतना ही, आवत हलाओ और दिलचस्प नज़ारा के हमने आप लोग के लुफ्त उठाए के मौका देव जा। आज खातिर इतना ही, अनुमति द, नमस्ते।